यार पूरी कंट्री में अभी कोरोना का भूचाल रखा है। मतलब कहीं भी आप देखो कोरोना 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 कंट्री, इनफैक्ट मैं कहूंगा वर्ल्ड लेवल पे कोरोना का भूचाल आ रखा है। अब इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा एफर्ट डाले इसमें और मतलब लोगों को काफी हद तक समझाया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू कि भाई कैसे आपको रहना है, कैसे आप बच सकते हो। बिकॉज अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, तो यार यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे जब से कोरोना मतलब कंट्री में आया है तब से यहाँ तबाही मच गई है, बिल्कुल फेक न्यूज की। और आप देखो मतलब आपको हजारों नुस्खे हजारों दवाइयां मतलब आपको व्हाट्सएप पे मिलती होंगी डेली। अब ऐसे क्राइसिस वाले टाइम में भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश में लगी है कि किसी भी तरीके से आप तक पहुंचे और आप तक जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाए। फिलहाल यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन की, तो अभी लेटेस्ट जो एप्लीकेशन आया कुछ दिन पहले आया आरोग्य सेतु। अब आरोग्य मतलब होता है कि रोग रोग होता है, उसका अपोजिट आरोग्य होता है, ऐसे ही होना चाहिए कुछ। सेतु आई नो पुल होता है, समझ गए होगे आप क्या मतलब है, मैं नहीं समझा अभी तक, समझूंगा बाद में। फिलहाल यहाँ पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। बिकॉज गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा COVID-19 या फिर कोरोना वायरस को लेकर और करेंटली आपकी लोकेशन में आपकी कंट्री में इसके क्या हालात हैं और आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिव केसेज हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको बचाएगा और इनफैक्ट बताएगा कि आपको किस एरिया में जाना है, कहाँ नहीं जाना है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऐसा गवर्नमेंट क्लेम करती है। फिलहाल हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप कि इसको आपको चालू कैसे करना और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद ये सबसे पहले पूछता है कि भाई आपकी लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई हिंदी है। उसके बाद देखो हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेरे को, कुछ ऊपर नीचे हो तो आप संभाल लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है कि हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है, ऑब्वियस है, तभी हमने इस हद तक रोका हुआ इसको। और बाकी इसमें ये लिखा है कि उसकी कोई भी जानकारी वगैरह हो तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे ये आपसे रिक्वेस्ट करता है कि पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको कुछ परमिशन देनी है, मतलब आपको ब्लूटूथ की परमिशन हो गई और लोकेशन की परमिशन हो गई, ये सब देना है आपको, तो हम दे देंगे आगे। तो यहाँ पे देखो आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह देनी होगी और उससे पहले परमिशन देनी होगी, तो यहाँ पे मैं सहमत हूँ करके मैं परमिशन दे देता हूँ इसको। परमिशन दे दी, उसके बाद ये आपका मोबाइल नंबर पूछता है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं हम। मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद OTP के थ्रू ये वेरीफाई करता है कि आपने नंबर जो दिया है वो सही है कि नहीं। आप क्या हो तो आपका पूरा नाम वगैरह, आपका जो जेंडर है वो देना है, तो मैंने लिख दिया पुरुष और नाम लिख देते हैं यहाँ पे राकेश कुमार, और आपकी एज लिख देते हैं यहाँ पे, तो एज लिख दी मैंने। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन पूछता है कि आप करते क्या हो, तो इसमें मोस्टली वो वाली कैटेगरी है जो इस मतलब सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, तो इसमें से आप किसी में फॉल नहीं करते हो तो आप इनमें से नीचे वाला सिलेक्ट कर लो कि इनमें से कोई सा भी नहीं। पिछले 30 दिनों में आप कहीं पर गए हो किसी अदर कंट्री में घूमने, बिकॉज ये जो वायरस है घूमने से ही फैलता है, तो अगर आप नहीं गए हो तो यहाँ पे लिख दो भाई सीधे सीधे कि आप कहीं नहीं गए हो। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि भाई जरूरत के टाइम पे आप गवर्नमेंट की हेल्प करोगे, गवर्नमेंट के लिए खड़े रहोगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप सुरक्षित हैं, मतलब अभी जहाँ पे मैं हूँ उस लोकेशन को इसने ट्रैक किया है। मैं अभी जैसे फरीदाबाद में हूँ दिल्ली NCR में, तो मेरे एरिया में या मेरे से मतलब 2-3 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसा केस नहीं है, तो ये डायरेक्टली मेरे को बोल रहा है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी इससे बचने के लिए आप ज़्यादा बाहर वगैरह ना जाएं, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, अगर ये रेड वगैरह आएगा यहाँ पे लिखा आएगा कि आप असुरक्षित हैं, तो वो सब मतलब देख के आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है और अवॉइड करना है बाहर जाने से। COVID-19 का सहायता केंद्र, मतलब आपको पूरे स्टेट के जो भी सहायता केंद्र के नंबर हैं डायरेक्ट वो यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, ये टेस्ट आप ले सकते हो अगर आपको शक है कि आपके अंदर ऐसे कुछ मतलब सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है, हाँ यही होता है, कुछ ऐसा सिम्टम है जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोरोना हो सकता है। बिकॉज अभी क्या है किसी को छींक भी आती है तो पहले दिमाग में ये आता है कि कोरोना तो नहीं आ गया, अगर ऐसा आ रहा है तो आप उसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आप चेक कर लो, लाइक जेंडर पूछता है, वो जेंडर डाल दिया मैंने, उम्र भी डाल दिया मैंने, दिए हुए रोग में से कुछ है। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली बता देता है कि भाई आपका संक्रमण का जोखिम जो है वो कम है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि मेरे को कोरोना वायरस वगैरह कुछ है, तो यहाँ पे क्या करें क्या ना करें वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं आपको, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, वैसे आपको अभी तक पता लग गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिशियली ट्वीट्स हैं, मतलब जो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन है जो हर सेकंड आ रही है, हर मिनट आ रही है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और ये बता देता है जो मेन काम है इस एप्लीकेशन का कि भाई आप जिस एरिया में हो या आप जहाँ जाने वाले हो वहाँ पे कोरोना का कितना ज़्यादा खतरा है। तो यार ये गवर्नमेंट की तरफ से एक आरोग्य सेतु एक छोटा सा एफर्ट था, छोटा सा एप्लीकेशन था जो मतलब काफ़ी हद तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है। तो यार ये थी सारी वीडियो COVID-19 कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में और मेनली इस एप्लीकेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर देना, और इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।